दोस्तों इस रौनक विद्यालय परिवार के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्योहारों का टॉपिक और उस टॉपिक के हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन कि हमने अभी तक कितने माह के त्योहार पढ़ लिए। चैत्र माह के पढ़ लिए, बैसाख के पढ़ लिए, ज्येष्ठ माह के पढ़ लिए और आषाढ़ के पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए कि हमारी जो ट्रिक है वो कहां पे थी। हमारी ट्रिक थी देवता सो गए थे और कौन जाग गया था, कौन जाग गया था, गुरुजी जाग गए थे। मतलब आगे वाला काम किसके अंडर में है, गुरुजी के अंडर में। ध्यान रखना मैं आपको बता रहा हूं कि जो कहानी है अपनी वो कहानी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब वो कहानी याद रहेगी तो हम सारे के सारे त्योहार पढ़ लेंगे और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग त्योहार हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हम पढ़ने वाले हैं। इन त्योहारों में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। धैर्य बनाए रखें, ध्यान से देखें, जुड़े रहें, सीखते रहें। चलो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आज हम जो त्योहार पढ़ेंगे हम किसके पढ़ेंगे। एक तो श्रावण मास के, कौन से महीने के पढ़ेंगे, श्रावण के। और एक किसके पढ़ेंगे, भाद्रपद के। कौन से महीने के पढ़ेंगे, श्रावण के। और हम इन दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे। अब देखो क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं, ट्रिक देखते हैं आज वाला ट्रिक क्या है, आनंद आएगा। देवता सो गए, जिम्मेदारी आ गई गुरु के पास। तो देखो होगा क्या कि अगला महीना आया श्रावण का महीना। अब एक छोटा सा आपने वो एक हम जो गाना है वो सुना होगा, सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया, सावन आया मतलब बुलबुल चहक रही है, बादल आ रहे हैं, इसका मतलब कौन सा मौसम आ गया, वर्षा का मौसम आ गया, बारिश का मौसम आ गया। सावन का नाम लेते ही दिमाग में क्या आएगा, बरसात का मौसम आ गया। गाना याद रखना, सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले। बुलबुल चहकेगी बारिश के समय, फूल खिलेंगे बारिश के समय, बरसात का मौसम आ गया, ये हमें ध्यान रखना। अब बरसात के समय में क्या होता है, जब बरसात होगी तो सर्प निकलेंगे। बरसात में क्या निकलेंगे, सर्प निकलेंगे, निकलते हैं ना। तो देखो नाग निकले, कौन निकला, नाग निकले, जुड़े रहे देखते जाए। तो नाग निकले इसका मतलब यहीं से शुरुआत होगी। देखो अपने को इसमें क्या करना है कि यहां पे इन महीनों में और दोनों पक्ष के त्योहार आएंगे, कृष्ण पक्ष के भी आएंगे और कौन से आएंगे, शुक्ल पक्ष के भी आएंगे, दोनों के साथ चलेंगे। अब देखो कैसे कहेंगे वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले नाग निकले तो हम शुरुआत करते हैं नाग पंचमी। क्या शुरू करते हैं, नाग पंचमी। कौन सा त्योहार हो गया, पहला त्योहार हो गया नाग निकले। ट्रिक पढ़ते जाते हैं साथ साथ में और साथ साथ में लिखते जाते हैं। अब नाग निकले ने सर्प आएगा ने दौड़ते हैं तो क्या हुआ, हल उठाए, पास में कोई हल रखा हुआ था, नाग दिखाई दिया, पकड़ के उठाया उसको मारने के लिए। तो हल उठाने से संबंधित दूसरा त्योहार बन गया, कौन सा बन गया, ये बन गया हल षष्ठी। कौन सा बन गया, दूसरा त्योहार बन गया, हल उठाया, नाग निकले हल उठाया। अब हल उठाया देखा कि भाई नाग देवता को मार रहे, तो जिम्मेदारी किसके पास आई हुई थी, गुरुजी के पास। भगवान तो सोए हुए, गुरुजी बोले 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 गुरु गुरु को गुरु को मारो मत, मारो मत, क्या करो, निडर रहो, डरने की जरूरत नहीं है, सांप निकल गया, नाग देवता आ गए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, मतलब निडरी निडरी नवमी। क्या कौन सा त्योहार बन गया,
निडर रहो। क्या कहा? निडर रहो, डरना नहीं है, निडर रहो। निडर रहो मतलब अपना कौन सा बन गया? निड्रिल नवमी। सबसे पहले नाग निकले, नाग निकले, नाग पंचमी, हल उठाया, हल उठाया, हल षष्ठी, और गुरु जी बोले निडर रहो, डरने की आवश्यकता नहीं है, मतलब निड्रिल नवमी। आगे से क्या कहा? गुरु जी बोले निडर रहो, डरना नहीं है, क्या करना है? आगे हरियाली अमावस आ रही है। क्या आ रही है? हरियाली, हरियाली अमावस आ रही है। कौन बोल रहा है? गुरुजी बोल रहे हैं कि आगे हरियाली अमावस आ रही है, और उसके क्या करना है? रक्षा सूत्र बांध देना, रक्षा सूत्र बांध देना, नाग और चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मारने की जरूरत नहीं है, सर को रख दो, इस सर को रख दो, इस सांपों को मारने की जरूरत नहीं है। हरियाली अमावस के बाद में और क्या बांध देना? धागा, रक्षा सूत्र बांध देना। रक्षा सूत्र का मतलब क्या हुआ? रक्षा सूत्र का मतलब क्या हुआ? रक्षा बंधन, रक्षा बंधन। अब एक छोटी सी चीज देखो, पहले वो देखते हैं, एक छोटी सी चीज है वो देखते हैं, छोटी तीज। क्या है? छोटी तीज। और इधर एक अपन पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये तो कृष्ण पक्ष लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने शुक्ल पक्ष लिख दिया, मतलब प्रत्येक महीने में दोनों पक्ष चलते हैं, है ना। अब मैं यहाँ एक चीज और लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ बड़ी तीज। क्या लिख रहा हूँ मैं? बड़ी तीज। अब ये देखना है थोड़ा सा पहले, इससे पहले को देखना है, ये है छोटी तीज, ये है बड़ी तीज, मतलब दो ऐसे महीने, श्रावण का महीना, भाद्रपद का महीना। पहले वाला महीना में आएगी छोटी तीज, क्योंकि वो छोटी है, पहले आएगी, बड़ी है वो बाद में आएगी, छोटी है वो पहले आएगी, बड़ी है वो बाद में आएगी। छोटी कौन सी में आएगी? श्रावण महीने में। बड़ी कौन सी में आएगी? भाद्रपद महीने में। ध्यान रखना। अब देखो ये एक चीज का ध्यान रखना है कि बड़ी तीज है वो बड़ी तीज आती है अगले महीने में, बड़े महीने में, बड़ा महीना है भाद्रपद का, उसे छोटा महीना है श्रावण। तो ये तीज का तो स्पेशल अलग ही याद रखना है। इस ट्रिक के साथ में तीज जैसे याद रखनी है कि दो तीज आती है, छोटी तीज आती है श्रावण में, बड़ी तीज आती है बड़े महीने में या भाद्रपद में। अब एक चीज और है, इस बड़ी तीज जो है ना, इसके कई नाम है, इसके कई नाम क्या है? इसको सातुड़ी, क्या बोलते हैं इसको? सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। कौन सी तीज बोलते हैं? सातुड़ी तीज बोलते हैं। इसको कजली तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कजली तीज भी बोलते हैं, और इसको एक क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। मतलब अलग अलग जगह है, अलग अलग नाम है। कई बार बड़ी तीज के नाम से भी सुना जाता है, कई बार सातुड़ी तीज के नाम से आता है, कई बार कजली तीज के नाम से आता है, कई बार बूढ़ी तीज के नाम से आता है वो ये ध्यान ये रखना है, कोई भी नाम आ जाए हम समझेंगे कि कौन सी तीज है, यही जो भाद्रपद महीने के अंदर आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। आप देखो ये देख लिया, अभी अपन बाद में जब एक डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। अभी हम ट्रिक पे चल रहे हैं, दोबारा देखते हैं। सावन आया, बादल छाए, गुनगुन चहकी, फूल खिले, बरसात का मौसम आ गया। और सावन का नाम आते हैं, बरसात का मौसम का नाम आते हैं, समझ गए? बरसात का मतलब सर्प निकलेंगे, सर्प निकलेंगे, सर्प निकलते ही हल उठा रहे हैं मारने के लिए, दौड़ने के लिए। गुरु जी आ रहे हैं कि डरो मत, डरो मत, मारने की जरूरत नहीं है, निडर रहो। करना क्या? हरियाली अमावस्या के बाद में रक्षा सूत्र बांध देना, सर्प चले जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गए, कितने हो गए? चार ये हो गए और दो ये हो गए। अब देखो कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। अब कृष्ण पक्ष के अंदर क्या होगा कि जैसे ही बारिश शुरू हो रही है, तो बारिश शुरू हो रही है तो महीना शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई, इसका मतलब सर्प आ गए, आने शुरू हो गए, सर्प आ गए तो शुरुआत में आ गए, इसका मतलब कृष्ण पक्ष में आ गए, आ गए तो आने के बाद में ये कहने की 15-20 दिन बाद में हल उठाएंगे, आते ही मार में दौड़ेंगे, और आते ही मार में दौड़ेंगे, इसका मतलब हर षष्ठी भी कृष्ण पक्ष में आ गई, और दौड़ेंगे
मारो मत इसका मतलब लिटिल नवमी कृष्ण पक्ष में आएगी और उसके बाद में उसी समय गुरुजी कहेंगे कि हरियाली अमावस्या के बाद में, हरियाली अमावस्या का मतलब अमावस्या आ गई, इसका मतलब ये भी कृष्ण पक्ष में आती है, अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष का 15वां दिन। तो ये त्योहार कौन से में आ गए? अब हरियाली अमावस्या के बाद में रक्षा सूत्र बांधना है, इसका मतलब रक्षा बंधन कब आएगा? आगे आएगा। कब आएगा? आगे आएगा, मतलब शुक्ल पक्ष में आएगा। और ये दो चीज हमें याद रखनी है, छोटी तीज श्रावण में, बड़ी तीज भाद्रपद में, ये दो हमें वैसे याद रखनी है, छोटी और बड़ी, छोटी पहले बड़ी बाद। अब इनमें से देखो क्या करना है, आगे देखते हैं, उसके बाद में पता चलेगा कि इसको हमें याद कैसे करना है। आगे देखते हैं, आगे वाला ये महत्वपूर्ण महीना है, ये महत्वपूर्ण महीना है। कौन सा? भाद्रपद का महीना महत्वपूर्ण है। कैसे है? बोर्ड पे देखो, कृष्ण जी, गोका जी, रामदेव जी, गणेश जी, राधा जी, तेजा जी, मतलब काफी देवताओं के नाम आ गए। काफी देवताओं के नाम कौन से महीने में आ रहे हैं? भाद्रपद में आ रहे हैं। काफी देवता इसमें आ गए, इसके महत्वपूर्ण तो नहीं है कि एक ही महीने में काफी देवताओं का नाम आ रहा है, महत्वपूर्ण महीना है। ध्यान ये रखना, सबसे ज्यादा देवता हमने कौन से महीने में पढ़े? भाद्रपद में पढ़े। कौन से महीने में पढ़े? भाद्रपद में पढ़े। वर्षात कब हुई? श्रावण में वर्षात होगी तो सर्प निकले, माल ने दौड़े, गुरु जी ने कहा नहीं मारो, रक्षा बांध सूत्र बांधो, ये होगी श्रावण की बात। अब भाद्रपद में देवताओं की बात, भाद्रपद में देवताओं की बात कैसे शुरू करते थे? कृष्ण जी सबसे पहले कृष्ण जी का नाम है। कृष्ण जी का मतलब क्या हो गया? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जी से संबंध क्या हो गया? कृष्ण जन्माष्टमी याद रह जाएगा। आगे गोगा जी तो गोगा नवमी रामदेव जी पहले पार्टी लेते हैं, तो यहां देखो आप क्या लिखोगे? रामदेव दूज। रामदेव जी, गणेश जी यहां लिखोगे क्या? गणेश चतुर्थी। क्या लिखोगे? गणेश चतुर्थी। राधा जी तो लिखो राधा जी, तो क्या लिखोगे? राधाष्टमी। क्या लिखोगे? राधाष्टमी। फिर तेजा जी, क्या लिखोगे? तेजा दशमी। क्या लिखोगे? तेजा दशमी। तेजा जी हो गई। अब देखो कृष्ण जी, गोका जी, रामदेव जी, गणेश जी, राधा जी और तेजा जी, इनको जल व श्राद्ध चढ़ाओ। क्या ये देवता है ना? अब ये देवता है तो देवताओं का चढ़ाना है, जल चढ़ाओ और इनको श्राद्ध। अब जो हमारे पूर्वज हैं तो इस धरती पे नहीं है, हम उनको क्या करते हैं? श्राद्ध चढ़ाते हैं, है ना? तो जो देवता है यहाँ पे अभी सामने जो पढ़ रहे हैं उनको तो पानी पिलाओ, उनका सम्मान करो, और जो देवता नहीं है उनको भी कुछ करने क्या करो? श्राद्ध। तो देखो जल से क्या हो रहा है, जल से एक त्योहार बन रहा है ना, जल झूलनी और कौन सा? एकादशी। जल झूलनी एकादशी किससे बन गया? किससे बन गया? जल से बन गया। श्राद्ध चढ़ाओ इसका मतलब ये क्या हो गया? श्राद्ध पक्ष। ये क्या हो गया? श्राद्ध। अब देखो क्या तीन त्योहार हो गए? ये कौन से हो गए? तीन त्योहार तो इधर कृष्ण पक्ष के, इधर कौन से हो गए? छह त्योहार। ये टोटल इस महीने में हो गए 9 त्योहार। इधर कितने? 2। इधर कितने? 4। टोटल इधर कितने हो गए? 6। और 6 और 9 कितने हो गए? 15। आज 15 त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तो पे गए, ध्यान से देखेंगे। बात करते हैं एक बार इस महीने की। हमने क्या बताया? एक महीना ऐसा जिसमें सबसे
सबसे ज्यादा देवताओं की बात कर रहे हैं, कौन सा महीना भाद्रपद, कौन सा महीना भाद्रपद, जिसमें सबसे अधिक देवताओं के बारे में चर्चा हमें कर रहे हैं। कौन कौन से देवता हैं? सबसे पहले देखेंगे कृष्ण जी, गोका जी, रामदेव जी, गणेश जी, राधा जी, तेजा जी, ये देवताओं के बारे में चर्चा करें। अब करेंगे क्या वो देखो, क्यों करें? पहली बात ये है कि जब यहाँ पे गुरुजी ने कहा चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप रक्षा का सूत्र बांधो, बांध दिया, फिर भी समाधान नहीं हुआ, देवता सो रहे हैं, विष्णु भगवान सो रहे हैं, गुरुजी ने कमांड संभाली, बोला था रक्षा बंधन पे आप रक्षा सूत्र बांध दो, समाधान हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करना पड़ा? कृष्ण जी को आना पड़ा, कृष्ण जी को जन्म लेना पड़ा। जनता परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी, कृष्ण जी ने जन्म लिया। किसने लिया? कृष्ण जी ने जन्म लिया। अब एक चीज याद रखनी है, कृष्ण यानी काले, काले यानी कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष, याद रखना। कृष्ण जी क्या थे? कृष्ण जी क्या थे? बड़े देवता, देवता बड़े देवताओं में तो है, भगवान से बड़ा क्या है? तो कृष्ण जी बड़े, इसका मतलब बड़ी चीज किधर आएगी? कृष्ण पक्ष में आएगी, ध्यान रखना। कृष्ण जी किधर है उधर बड़ी चीज आएगी, है ना। तो उसके बाद में जब कृष्ण जी आए तो कृष्ण जी के बाद में गोगा जी का याद रखना है। और फिर हम बात करेंगे ये कुछ और त्योहार है, मतलब ये ध्यान रखना है कि इसमें तीन त्योहार है, तीन त्योहारों का ध्यान रखना है। कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी कैसे काले, कृष्ण जी कैसे बड़े, बड़े तीज कृष्ण जन्माष्टमी, और उनके बाद में एक त्योहार है गोगा, इसके बारे में देखना। बाकी सारे के सारे त्योहार कितने आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। अब देखो ध्यान क्या करना है, ध्यान ये करना है कि इधर कृष्ण जी ने जन्म लिया तो कृष्ण जी ने जन्म लिया तो राधा जी जन्म लेंगे, कृष्ण जी ने जन्म लिया तो राधा जी जन्म लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। इधर गोका नवमी, ये नागों के देवता है, ये नागों के देवता है, तो इधर तेजा दशमी, ये भी क्या है? नागों के देवता है, ये भी क्या है? नागों के देवता है। अब एक चीज और पूछ लेता हूं, इनका जन्म हुआ 1003 विक्रम संवत, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी विक्रम संवत, इनका जन्म हुआ 1003 विक्रम संवत में। तेजा जी का जन्म हुआ 1130 विक्रम संवत में। कम संख्या कौन सी? 1003। पहले कौन सी आएगी? ये आएगी। बड़ी संख्या कौन सी? 1130। ये कितना आएगी? आगे आएगी। इसका मतलब गोका नवमी पहले का मतलब पहला पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष है। 1130 बड़ी संख्या बाद में मतलब शुक्ल पक्ष। कृष्ण जी ने जन्म लिया पहले तभी राधा जी ने जन्म लिया, तो कृष्ण जी आगे पहले राधा जी बाद में। दूसरी बात, कृष्ण जी कैसे थे? काले का मतलब कृष्ण से कैसे काला और कैसे कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में आएंगे, ये ध्यान रखोगे। ये चीजें हैं, इनसे हमें अच्छा। दूसरा, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश जी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले पूजा करते हैं। शुभ कार्य, शुभ से क्या पड़ गया? शुक्ल पक्ष। इसका मतलब गणेश जी कितने आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान में रखिए। आप देखो एक बार थोड़ा दोबारा देखते हैं, बरसात का महीना आ गया, नार आ गई, बरसात का महीना है तो पहला पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष। तो नाग किधर निकलेंगे? कृष्ण पक्ष में। बारिश हो रही है, अब 10-15 दिन बारिश हो रही है तो नाग तो निकली जाएंगे, सर्प तो निकली जाएंगे, तो कृष्ण पक्ष सर्प निकल गए। सर्प निकलते ही उनको मारने दौड़ रहे हैं, पास में हल था, मारने दौड़ रहे, तुरंत ही गुरुजी ने कह दिया डरो मत, रुक जाओ, मारो मत, तो किधर रहेगा? कृष्ण पक्ष में चलेंगे। और फिर गुरुजी ने कह दिया कि हरियाली अमावस्या के बाद में, तो अमावस्या कब आती है? कृष्ण पक्ष में। बाद में तो रक्षा बंधन कब आएगी? बाद में। तो ये चार त्योहार किधर हो गए? कृष्ण पक्ष के हो गए। बाद में ये रक्षा बंधन आ गया शुक्ल पक्ष का, एक छोटी तीज है, छोटी तीज इधर आएगी शुक्ल पक्ष में, और बड़ी तीज आएगी कृष्ण पक्ष में, क्योंकि कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी
बड़े देता है तो बड़ी थी। अब बड़ी थी जब कृष्ण पक्ष में आ रही है तो छोटी थी उसके विपरीत आएगी, मतलब कौन सी में आएगी, शुक्ल पक्ष में आएगी, धन। ये हो गए श्रावण पक्ष के। अब बात करते हैं अगला महीना भाद्रपद का। भाद्रपद में एक अंक ने पढ़ा बड़ी थी, जब यहाँ गुरु जी ने बोला रक्षा सूत्र बांधना शरद पूजेंगे नहीं रुके, जन्म लेना पड़ा कृष्ण जी ने। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी काले थे, काला पक्ष मतलब कैसे काला और कासे कै, तो कौन से में कृष्ण पक्ष में आ गए, और कृष्ण जी के बाद में गोगा जी, और गोगा जी के बाद में, अब देखो गोगा जी के बाद में रामदेव जी। ये आपने सुना होगा लोक देवता के अंदर पांच पीर, पांच पीर है, गोगा जी है, रामदेव जी है, बापू जी है, मेहरा जी है, हड्डू जी है, सबके पांच पीर है। लोक देवता का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हमें ये पढ़ेंगे कि ये पांच पीर हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि दो पीरों के बारे में आ गया, जब एक पीर के बारे में हमने यहाँ पढ़ा तो दूसरा पीर है वो उसके बाद में आगे तैयार है, कि पांच पीर है तो एक गोगा जी और रामदेव जी, पहला पीर यहाँ आ गया, अगला पीर आगे। गणेश जी शुभ कार्य में याद करते हैं, तो गणेश चतुर्थी का मतलब है शुभ कार्य में याद करते हैं तो शुक्ल पक्ष में आएंगे। कृष्ण जी ने जन्म ले लिया तो राधा जी को भी जन्म लेना पड़ेगा, इसका मतलब कृष्ण जी ने जन्म लिया तो राधा जी बाद में लेंगे, अगला पक्ष। गोका नवमी, गोका जी का जन्म हुआ 1003 ईस्वी को और तेजा जी का हुआ 1130 विक्रम संवत को, इनका 1003 विक्रम संवत को। संख्या छोटी कौन सी है ये, बड़ी कौन सी है ये, छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में, और उसके बाद में एक दो त्योहार और बच गए, जल धोने का किसी और एक साथ, मतलब ऐसे करके ये छह त्योहार हो गए शुक्ल पक्ष के और तीन त्योहार हो गए कृष्ण पक्ष के। ध्यान ये रखो ज्यादातर देवताओं की चर्चा किसमें हो रही है, भाद्र पक्ष में हो रही है, भाद्रपद महीना उसके अंदर हो रही है, और श्रावण का महीना बरसात का महीना होता है, उसमें नाग निकल रहे हैं और मारने दौड़ रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं ड्रो नहीं है, रक्षा सूत्र मान लो, ये महीने के लिए और ये देवताओं से संबंध, तो दो चीजें रखनी है हमारे देवताओं का, इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। अब देखो अब ये त्योहार कह रहे थे त्योहारों के बारे में, टोटल हमारे होते 15 त्योहार, आते कब है दूसरा, कब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या आता है, कब आते हैं, पंचमी, पंचमी षष्ठी नाम से जाहिर हो रहा है नवमी, और अमावस्या मैंने आपको बताया था महीने का 15वां दिन, कोई दिक्कत नहीं है। पंचमी षष्ठी नवमी नाम से है, पंचमी पांचम षष्ठी छठ होगी, नवमी नवमी होगी, अमावस्या 15वां दिन, कोई दिक्कत नहीं, कब आती है कोई समस्या वाली बात नहीं है। तीज, तीज को, तीज तृतीया को, कोई दिक्कत नहीं है। रक्षाबंधन है, इसका ध्यान रखना है, ये आएगी कब, पूर्णिमा, कब आएगी पूर्णिमा, ये ध्यान रखना है। अब हरियाली अमावस्या के बाद में रक्षाबंधन बांधना है, इसका मतलब हरियाली अमावस्या के 15 दिन बाद में, तो अमावस्या जहां आ रही है 15 दिन बाद में क्या आएगी, पूर्णिमा आएगी। ये कब कब मनाए जाते हैं उसके बारे में इस महीने के बात करते हैं, इस महीने के देखो तीज तृतीया कोई दिक्कत नहीं है, जन्माष्टमी यानी आगे अष्टमी आठवीं, नवमी नवमी कोई दिक्कत नहीं है, नाम से पता चल रहा है अष्टमी आठम आ गई, नवमी नवमी आ गई, दूज दूज चतुर्थी चतुर्थी, दसवीं दसवीं एकादशी, एक प्लस दस बराबर ग्यारह है ना, और एक बच गया श्राद्ध पक्ष, इसको क्या लिखेंगे पूर्णिमा, ये कब है पूर्णिमा, कोई दिक्कत नहीं। कब मनाए जाते हैं, किस महीने में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं वो पढ़ ली, कब मनाए जाते हैं नाम से, सब नाम से बन रहे हैं, एक रक्षाबंधन को लास्ट को छोड़ दो, एक इस श्राद्ध पक्ष को पूर्णिमा, दोनों ही पूर्णिमा को आ रहे हैं, ये श्रावण की पूर्णिमा को आ रहा है, ये भाद्रपद की पूर्णिमा को आ रहा है,
बाकी नाम से बढ़ रहे हैं, तीज तृतीया अष्टमी आठ नवमी नवमी दूज चतुर्थी दसवीं एकादशी कौन सा बच गया श्राद्ध, इसको याद करना पड़ेगा ये पूर्णिमा। इधर पंचमी षष्ठी नवमी अमावस्या को पता कब आती है छोटी तीज तृतीया एक बच गया रक्षाबंधन, इसका याद कर। इधर भी पूर्णिमा का बच गया, इधर भी पूर्णिमा का बच गया, ये रक्षाबंधन पूर्णिमा को इधर श्राद्ध पूर्णिमा, कोई दिक्कत नहीं। कब आते हैं कौन कौन से आते हैं ट्रिक याद कर ली, नाग निकले हल उठाए गुरु बोले निडर रहो डरना नहीं, तो क्या करना हरियाली अमावस्या को क्या करना है रक्षा सूत्र बांध देना है, पहला त्योहार दूसरा त्योहार तीसरा त्योहार चौथा त्योहार पांचवा त्योहार और एक छोटी तीज और बड़ी तीज का वो अलग से आता है। छोटी तीज पहले छोटे महीने बड़ी तीज बड़े महीने में, छोटा महीना कौन सा श्रावण बड़ा महीना कौन सा भाद्रपद, बड़ी तीज आएगी कब क्योंकि कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, कृष्ण जी काले काले तो कृष्ण पक्ष में और कृष्ण जी बड़े तो बड़ी तीज, और बड़ी तीज आ रही है उसके विपरीत में आएगी छोटी तीज। अगला मैंने बात करें सबसे पहले कृष्ण जी ने जन्म लिया पहला त्योहार बड़ी तीज को छोड़ गोका जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा गणेश जी, चौथा राधा जी, पांचवा तेजा जी, छठा जलजोगनी एकादशी, सातवा और श्राद्ध पक्ष आठवा और एक कौन सा बच गया कि मतलब कुछ हो गए नौ। अब देखेंगे आगे महत्वपूर्ण बात, अब देखेंगे महत्वपूर्ण बात क्या देखेंगे किस तरीके से क्या मनाया जाते हैं। देखो नाग पंचमी यहां पे जो नाग जो है उनकी पूजा की जाती है, नाग से नाग पंचमी सर्प जो है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है पंचमी को कोई दिक्कत नहीं। ये हल षष्ठी ये देखना पड़ेगा, हल षष्ठी को क्या हुआ आपने नाम सुना है बलराम, बलराम कौन थे कृष्ण जी के बड़े भाई, बड़े भाई थे तो कब आएंगे पहले बड़े हैं तो पहले जन्म हुआ, कृष्ण जी छोटे तो बाद में जन्म हुआ, इसका मतलब यहां इस दिन क्या हुआ है बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन। और याद कैसे रखोगे इनका मैन शस्त्र था, कौन था मैन शस्त्र था इनका हल, और इस कारण से इनको हल धर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको हल धर भी कहते हैं। आपने देखा होगा बलराम का जैसे कि आपको फोटो देखोगे उसमें हाथ में ऐसे हल लिए मिलेंगे, इसका मतलब ये क्या होगा मैन शस्त्र है, तो मैन मुख्य शस्त्र क्या है हल, और उनको इसी कारण से हलधर के नाम से बोलते हैं, तो उस हल के हिसाब से याद रख लेंगे हल षष्ठी बलराम का जन्मदिन है, कृष्ण जी के बड़े भाई है पहले महीने में आएंगे कृष्ण जी अगले महीने में आएंगे। अब देखो निडरी नवमी, निडरी नवमी आपने नेवले का नाम सुना है नेवला, और नेवला और सर्प की होती है दुश्मनी, यहां नेवले की पूजा करेंगे क्यों करेंगे सर्प से डरे हुए हैं, गुरु जी ने बोला था क्या बांधो रक्षा सूत्र बांधो डर रहे हैं, तो डरने का से नेवले की पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि नेवले की पूजा करेंगे इसको खुश करेंगे ना तो ये सर्प के साथ युद्ध करेगा उसको मार देगा तो हमारी समस्या खत्म। तो देखो ने से नी ने से ने और ने से ने तीनों ने से शुरू हो रहे हैं, निडरी नवमी यानी नेवला किसकी पूजा करेंगे नेवले की पूजा करेंगे, नेवला मारेगा सर्प को और सर्प को मारेगा तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। बात करेंगे आगे हरियाली अमावस, हरियाली मतलब बारिश होने तो हरियाली हो रही है, अब हरियाली हो रही है तो बारिश होने के बाद में खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे तो खीर और मालपुए बना रहे हैं, खीर और मालपुए बना रहे हैं और मालपुए खुद भी खाएंगे और ब्राह्मण देवताओं को भी खिलाएंगे और साथ में खुशी के कारण से लॉन वगैरह उद्यान वगैरह पार्क है वो भी क्या हो रहे हैं हरे भरे हो गए, तो पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं इस दिन, दो बार जो है वो पूरे
पूरे परिवार के साथ खुशी में घूमने जाते हैं। तो ये हुआ हरियाली अमावस। अब देखो ये है छोटी तीज और वो है बड़ी तीज। तो ये दोनों त्योहार जो है ये महिलाओं के लिए, स्त्रियां जो है वो करती है, ये व्रत है। छोटी तीज का भी व्रत है, बड़ी तीज का भी व्रत है ना। छोटी तीज का व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है और यहां अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए किया जाता है, उसकी सुहाग की दीर्घायु या मंगल कामना के लिए बड़ी तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन दिन में उपवास रखा जाएगा, चंद्रमा को देख करके खाना खाते महिलाएं, समझ गए। और गाय की पूजा की जाती है इस दिन, क्या करते हैं गाय की पूजा की जाती है। कब बात करें बड़ी तीज, यानी अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना मंगल कामना के लिए महिलाएं बड़ी तीज का व्रत रखती है। और यहां पे पति की दीर्घायु के लिए कहा जाता है कि पार्वती माता ने बहुत अच्छी तपस्या की थी तब जाके उनको शिव भगवान की प्राप्ति हुई थी। किनको हुई थी? पार्वती माता को शिव भगवान की प्राप्ति हुई थी। और तब से कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो व्रत रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए। छोटी तीज पति की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला व्रत, बड़ी तीज सुहाग के लिए और उसकी मंगल कामनाओं के लिए रखा जाने वाला व्रत बड़ी तीज, पति की दीर्घायु में रखा जाने वाला छोटी तीज, सुहाग की दीर्घायु में रखा जाने वाला व्रत बड़ी तीज। याद रखिएगा, कोई नीत नहीं। साथ में आगे वो बताएंगे इसके अंदर एक कजली तीज, बूंदी जो है बूंदी, बूंदी आप नाम सुना बूंदी जिला, वहां पर एक कजली तीज मनाई जाती है, वहां की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी जिले की। तो ऐसे क्वेश्चन आता है सतपुड़ी तीज का आ गया, बूंदी तीज है, हमें ध्यान रखना है इनका एक ही नाम। अच्छा ये ध्यान रखना छोटी तीज और बड़ी तीज ज्यादा नाम किसके? बड़ी के, बड़ा है इसलिए उसका नाम ज्यादा, छोटे वाले के नाम कम है। ध्यान रखना बड़ी चीज जो है बड़ी तीज है उसके बड़े नाम, बड़े नाम मतलब ज्यादा नाम। कई बार आप सोच जाओगे क्वेश्चन आ गया सतपुड़ी तीज, आप सोचोगे छोटी तीज है बड़ी तीज है एक तीज ऐसी इसके कई नाम है। तो ध्यान रखना बड़ी तीज है उसके बड़ा है उसके बड़े नाम मतलब ज्यादा नाम। रक्षाबंधन, बहन ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, कहा सुना ना आपने, मतलब ये है वो कलाई पे रक्षा का सूत्र, रक्षा का सूत्र राखी बांधे ना, रक्षाबंधन में राखी बांधते नहीं बांधते, कौन बांधता है? बहने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई और बहन का प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन, भाई और बहन जो है उनका प्रेम का त्योहार। और भाई रक्षा क्या करता है? वचन देता है। और बहना जो है उनकी लंबी जीवन की कामना क्या करती है? प्रार्थना करती है भगवान से। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार। पढ़ लिए नागपंचमी, नागों की पूजा, हरषष्ठमी, बलराम का जन्मदिन, नेत्र नवमी, नेवले को खुश करना, हरियाली अवसर, बढ़िया बारिश हो रही, पारंपरिक वाले को घूमने जाने परिवार के साथ, छोटी तीज पति की दीर्घायु के लिए, और रक्षाबंधन है बहना ने भाई की कलाई पर क्या बंधन है? प्यार बंधन है, रक्षा सूत्र बंधन है। चलो आगे देखते हैं इस महीने में आते हैं बड़ी तीज वाले बता दी, बड़ी तीज सुहाग की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला महिलाओं के द्वारा व्रत। अब बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी यानी यहाँ कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ, और कृष्ण जी की झांकियां और क्या निकाली जाती है। तो ये जन्म से कृष्ण जन्म जन्माष्टमी अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ, तो जन्म के लिए। अब देखो आगे देखो गोका नवमी, यहाँ गोका जी की पूजा की जाती है। गोका जी की पूजा इसलिए की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि ये माना जाता है कि नाग का जो सर्प का जो मन में भय था कि गोका जी की आप पूजा करेंगे तो भय खत्म हो जाएगा, तो उस भय को खत्म करने के लिए
गोगा नवमी के दिन क्या गोगा जी की पूजा की जाती है, ये गोगा नवमी हो गया। रामदेव दूज भाद्रपद शुक्ल दूज को रामदेव जी का जन्म हुआ था, क्या हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल दूज को रामदेव जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं गणेश चतुर्थी, ये गणेश जी का जन्मदिन, यहां चतुर्थी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्मदिन है। अब इस दिन क्या होता है बताते हैं कि जैसे 9 दिन पहले एक बड़े मूर्ति बनाई जाती है गणेश जी की, 9 दिन उसकी पूजा की जाती है और उसके अगले दिन उनका तालाब वगैरह ले जाकर उसका विसर्जन किया जाता है, तो ये गणेश चतुर्थी हो गया। कृष्ण जी जन्म में तो राधा जी ने जन्म लिया, राधाष्टमी राधा जी का जन्मदिन है, इस दिन राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तेजादशमी महत्वपूर्ण पॉइंट है, देवता है जाटों के देवता है, तो इनकी बहुत ही बड़ी कहानी है, हम यहां पे देखेंगे कि क्या है, मेर के मीणा जो है वो गाय को उठा के लेके गए थे और लाछापुर जी गाय को उठा के लेके गए थे, अब ये उन्होंने गाय को बचाने के तो बीच में रास्ते में सर्प मिल गया, वो बोले आपको डसू मारते, उन्होंने कहा मैं गाय को बचा के लेके आ रहा हूं तब तक आप मेरे को रहने दो, मैं आऊंगा जरूर उसके बाद मेरे को डस लेना। कहते हैं अपनी जो उस समय उन्होंने कहा वापिस आऊंगा जो प्रतिज्ञा उसको पूरा किया और वापिस आए, आने के बाद घायल अवस्था में थे, पूरे लड़ाई करके आए थे तो घायल थे, तो उन्होंने कहा डसो, उन्होंने कहा मेरी जीप पे डसो, जीप सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की ना तो वहां पे उस सर्प ने नाग देवता ने कोई वरदान दिया था कि आपके स्थान पे सर्प के काटने के कारण कोई आ जाएगा और आपकी यहाँ की ताती बांध लेगा तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये वरदान था आपको, ये वरदान दिया था। और ये जो सर्प ने जो दशा था वो दिन कौन सा था, तेजादशमी का दिन था, उसी दिन उनको वरदान दिया था उस सर्प देवता ने, तो तब से ही जो है ये तेजादशमी है, इसको दशमी को मनाई जाती है। जल झूली एकादशी, जल झूली एकादशी, देखो ये क्या है, जल से संबंधित है, इस दिन क्या करते हैं सभी देवताओं को और किसी वाहन में बैठा करके और किसी जलाशय के पास किसी तालाब के पास ले जाया जाता है और उस दिन उनको साफ सफाई नहलाया जाता है, इस पानी से नहला करके वापस लाया जाता है। मतलब ये कहते हैं कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना कृष्ण पक्ष में और उसके बाद में इसी दिन कृष्ण जी को बाहर निकाला गया था, इसी दिन उनको नहलाया गया था, तब से सभी देवताओं को इस दिन स्नान करवाया जाता है किसी तालाब के पास ले जाकर के और इससे जल झूलनी, जल झूलनी देवताओं को ले जाया जाता है जल के पास, झुलाते झुलाते गाड़ी में जाएगा तो गाड़ी हिलती जाएगी, ऐसे झूलती झूलती जाएगी, तो झूलनी झूलते झूलते कहां लेके जाएंगे देवताओं के, जल के पास तालाब में वहां उनको स्नान कराया जाएगा, ये जल झूलनी एकादशी। बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध जो अपने पूर्वज हैं जो चले गए हैं उनके सम्मान के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन से लेकर के और अगला जो महीने की ये तो पूर्णिमा अमावस्या है यानी भाद्रपद हो गया, भाद्रपद के अगला जो महीना आएगा पूर्णिमा से शुरू होते हैं अगले महीने की अमावस्या तक दिन कितने हो गए, 16 दिन हो गए, एक तो ये पूर्णिमा वाला हो गया और एक कम से लेकर के और अमावस्या तक 15 दिन हो गए, ये 16 दिन का पक्ष चलता है। अलग अलग तिथि को जिस तिथि को कोई पूर्वज है वो खत्म हुए हैं उस दिन उनको श्राद्ध डाला जाता है, मतलब क्या है ब्राह्मण जो है उनको बुलाया जाता है, उनको भोजन करवाया जाता है श्राद्ध के अंदर अलग अलग दिन। तो ये हुए बड़ी तीज कजली सातोड़ी अलग अलग नाम है और ये क्या इस दिन का आपको मैंने बता दिया कि बड़ी तीज क्यों मनाई जाती है, महिलाओं का त्यौहार है, महिलाओं का त्यौहार है, कृष्ण जी का जन्म हुआ गोगा नवमी गोगा जी की पूजा, रामदेव जी का जन्म, गणेश जी का, राधा जी का, जब तो जन्म ही हुए कृष्ण जी का जन्म है, रामदेव जी का जन्म, गणेश जी का जन्म, राधा जी का जन्म, तेजादशमी मैंने आपको पाठ्य बता दी, यहाँ देवताओं को स्नान कराना, यहाँ जो अपने पूर्वजों को श्राद्ध डालना, ये त्यौहार है
आप लोगों को ट्रिक के हिसाब से देख लेंगे, समझ लेंगे। मैंने आपको एक एक के बारे में डिटेल से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ट्रिक है ये, इस ट्रिक को आप देखो, दिमाग में बैठाओ। बारिश हुई सावन के महीने में, सांप आप निकले, डरना नहीं, ये वो रक्षास्त्र बांधो, भाग जाएंगे। देवताओं का महीना, कौन सा देवताओं का, ज्यादातर देवताओं का जन्म हुआ है, और देवताओं के बारे में पढ़ाओ महीना कौन सा है। बात तो दो महीनों के बाद याद रखना दोस्तों, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन तीन चीज याद रखनी होती है, कौन सा त्योहार किस महीने में आता है, किस तिथि को आता है और कब मनाया जाता है। ये चीज अगर दो तीन आपने याद रखी, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम होगी उसमें आपके क्वेश्चन को इनको मिल जाएंगे। हो सकता है कोई छोटा मोटा त्यौहार रह गए हो, बात रख लेकिन मैंने जो त्यौहार रखा वो सारे आ गए, और क्वेश्चन 99% क्वेश्चन उनमें से ही आपको मिल जाएंगे। पैसेज बनाए रखें, ध्यान से देखें, समझें, मेमोरी में इसको बैठाएं। हमारी छठी ट्रिक है, एक तो और आएगी, सात आठ ट्रिक को माइंड में बैठा लोगे ना, आने वाले कभी भी किसी भी समय में कोई भी त्यौहार आया तुरंत ट्रिक ध्यान में आप आराम से पढ़ोगे, कहीं समस्या नहीं आएगी। आराम से तसल्ली से पढ़े और इनको धीरे धीरे ट्रिक को याद कर दीजिए, त्यौहार आपके इतने ईजी हो जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी कोई आपके भाई है वो पढ़ सके, देख सके। लाइक करें, शेयर करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद, राम राम।